क्या था कि पूरी दुनिया में फुटबॉल को लेकर एक दीवानापन है, दीवानगी है, लोग देखते हैं, लेकिन हाँ इस मुल्क में, इस देश में, भारत में क्रिकेट को लेकर वही दीवानापन है। और वो दीवानापन इस हद तक, मैंने पहले सेंटेंस में बोला कि यहाँ पे क्रिकेट को पूजा ही जाता है और खिलाड़ी जो है वो बस भगवान नजर आता है, और इसमें दो राय नहीं, लोगों ने कहा भी, माना भी, कहते भी हैं। और ये इस हद तक है कि आप द्रविड़ साहब को देख रहे हैं और उनका, उन्होंने उसके बाद कोच नहीं रहेंगे उन्होंने कह दिया, लेकिन उसके बाद भी लास्ट असाइनमेंट था उनका, लेकिन जो उन्हें मिला है, तोहफा मिला है, जो गिफ्ट दिया है जो क्रिकेट टीम ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने, वो लाजवाब है साहब। इस ये खिलाड़ी ये डिजर्व करता था, ये खिलाड़ी ये डिजर्व करता था। बहुत काम, बहुत शांत, बहुत कूल, और उसके बाद ये जिस समय टॉफी जीते उस समय वो कूलनेस सब चली गई थी, उस समय जो उनके अंदर दीवानगी, उनके अंदर जो पागलपन दिख रहा था ना, वो नजर आ रहा था, वो बिल्कुल कप उठा के जो वो दौड़ रहे थे ना, वो देखिए साहब यही कप है ना वो, जिसको कि सब इस वक्त उठाए हुए हैं, और यही वो कप है जिसके लिए तमाम बात। देखिए वो क्या है ना कि वो फिर तो एक खिलाड़ी भी तो है ना, वो जज्बा भी तो है ना, वो ठीक है, वो फोकस है, वो शांत रहते हैं, वो कूल रहते हैं, वो एग्रेशन नहीं दिखता उनके द्रविड़ का, लेकिन वो उसके बाद था। और आप जो वर्ल्ड कप जीत लें तो फिर साहब आप अंदाज़ा ही लगाइए फिर उसके बाद, तो वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो नज़र आ रहा था। और फिर सूर्य कुमार यादव जो मेरे सामने स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं, वो कैच साहब, क्या स्काई वाज इन द स्काई, वो हवा में स्काई वाज, वो जो बिल्कुल मेरे जहां आप खड़े हैं ना, इतनी दूरी थे वो, और जो उन्होंने कैच लिया ना, और जो लगा फिक्स हो गया, वापस किया, ओ वो जो इवेंट था ना, वो दैट वाज अ लवलीस्ट इवेंट। सेकंड्स के फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के बीच में सारा फैसला होना होता है कि हमको, और वो मतलब फिर उसमें कहीं पैर का जो जो बैलेंस बॉडी का है, महत्वपूर्ण कैच ले रहे हैं, बाउंड्री पे ले रहे हैं, तो सबसे अहम चीज जो टेक्निकल पॉइंट है वो है आपका बैलेंस। वो बैलेंस बनाना है, कैच लेना है, उसको अंदर फेंकना है, बाहर से फिर अंदर आना है, तो ये एक एक कोई प्री डिसाइडेड नहीं है कि आपके पास आने वाला है, लेकिन सडनली आता है। मिलर का जो कैच है, उस मिलर के कैच ने डिसाइड कर दिया था, लिख दी थी भारत सामने साफ साफ कि वो दिन दूर नहीं जब मुंबई एयरपोर्ट से टीम निकलेगी और वानखेड़े स्टेडियम तक जाएगी, और ये जो एक प्राइड है, और ये जो उत्सव है, और ये जो विक्ट्री परेड है, उसका एक एक रचना, व्यू रचना बनेगी। बिल्कुल सच है ना जी, वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे वो याद है कैच, उस कैच को लेकर रोना सा आ गया था वाला, वो बिल्कुल ही कैच आप देखेंगे उस कैच के जस्ट बाद मेरा विजुअल कटा था लाइव, तो आप देखना उस विजुअल में मेरे को आपको पता लग जाएगा कि हाउ हैप्पी आई वाज। ओ उस समय लग रहा था कि मतलब आ गया, मैंने स्टूडियो, मैंने कहा कि स्टूडियो में आपको बुलाया जाए कि आज मैं जाना चाह रहा था, क्योंकि आपको बार बार वो काटा जा रहा था, आपको देख रहा था मैं, और वो बहुत सारे लोगों ने आपको देखा, और जब वो कैच हुआ ना साहब, यकीन मानिए बहुत सारे लोग जो बैठे हुए थे, जहाँ पे मैं बैठा था वह कम से कम 6-7 लोग बैठे हुए थे, सातों के सातों लोग खड़े हो गए, पहले में मैच तो अब आ गया, हालांकि वो कमेंटेटर वेरी कॉन्फिडेंट, सारे लोग कि कॉन्फिडेंट थे कि नहीं नहीं मैच आ रहा है, मैच आ रहा है, लेकिन हाँ वो मिलर को लेकर एक जो रहता है ना कि मिलर कुछ भी कर सकते हैं, और वो परिचित भी हैं, यहाँ खेलते भी हैं, तो मिलर के पास जो काबिलियत, जो खूबी है मिलर की, वो ये मालूम था कि होगा, लेकिन उससे पहले जो दोनों में बातचीत हुई है, यानी विराट में और उसके रोहित में, वो बड़ी महत्वपूर्ण, और आप तो वहाँ पे जब कैच हुआ तो पीछे एकदम मैं वही बता रहा हूँ कि जो उस समय वो गुफ्तगू कर रहे थे, तभी मैं बता रहा हूँ कि जो टीम अब दुखी जो हो रहा है ना, मेरे को जो लग रहा है वो सब ने संन्यास ले लिया है, मुझे लग रहा था 1-2 साल और रुके, इनको और थोड़ा ट्रेंड वाला, मेरे को वो जो एक्सपीरियंस है मालूम है, ये मालूम है जो दीवाना होता है ना, ये जो फैन होता ना, लालची है बहुत, यही वर्ड है मैं कह रहा हूँ, यकीनन यही वर्ड है, वो लालची होता है, फैन जो होता है ना, दीवाना जो होता है वो लालची, और अगर वो लालची नहीं है दीवाना तो हो ही नहीं सकता, ये लालच है ना कि अरे कुछ दिन और खेल लेते, लेकिन मालूम है जो विराट होता है ना, वो बस सिर्फ विराट नाम ही नहीं होता है, रोहित जो होता है ना वो सिर्फ नाम ही नहीं होता, वो अंदर से बहुत बड़े होते हैं, उन्होंने मालूम है कि मेरी बेंच की जो स्ट्रेंथ है, अब आप देखिए बेंच की स्ट्रेंथ पर नजर डालिए जरा ना, श्रेयस जैसे खिलाड़ी और जो जयसवाल तो मतलब उनकी शक्ल कैसे लग रहा था यार, एक मौका तो मिल जाए, पर लेकिन हमारे पास प्लेयर ही इतने हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, आप किसको बिठाओगे, किसको लाओगे, यही मैं कह रहा था, तो आप हम जोड़ी देख रहे थे, जोड़ी नंबर 1 चल रही है, मतलब कि रोहित विराट, लेकिन जो हमारी
जो बेंच स्ट्रेंथ बेंच है वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि वो किसको बैठाएंगे आप किसको खिलाएंगे। और फिर ये तो आते विनिंग कॉम्बिनेशन, एक बार ये भी एक बात होती है कि विनिंग कॉम्बिनेशन एक बार चल गया आपका तो उसको हिलाना नहीं चाहिए। आप देखिए बात मानिए कि जो मैचेस अमेरिका में हो, जिसको कि आप कह रहे थे आप देखने गए अमेरिका वाले, वो बड़े लो स्कोरिंग मैचेस थे, 100, 110, 120 का प्रॉब्लम जी, वो 120 जो 160 हो जाते हैं, लेकिन 110 120 पे चल रहा था, वहां पे आपने खिलाया फास्ट बॉलर, लेकिन जैसे ही आप वेस्ट इंडीज में आए आपने खिला लिया स्पिनर।